नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। संजय दत्त साहब को स्टेज 3 का कैंसर है, ये हम सब जानते हैं। ये खबर बाहर है, आम है, लोगों को पता है कि संजय दत्त साहब को कैंसर है और पूरी दुनिया, पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन एक और तकलीफ बढ़ गई है संजय दत्त साहब की। संजय दत्त साहब को स्टेज 3 का नहीं, स्टेज 4 का कैंसर है। मैं बताता हूँ कि ये खबर, पूरी खबर क्या है। दरअसल जिस वक्त संजय दत्त साहब को सांस लेने में परेशानी हुई तो उनको लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया और उस वक्त उनके परिवार के जो लोग थे वो दुबई में मौजूद थे, लेकिन यहाँ उनकी बहन वगैरह ऑलरेडी रहती हैं, हम सब जानते हैं। तो उनकी बहन और उनका एक दोस्त उनको लीलावती अस्पताल लेके गए क्योंकि कोरोना का माहौल चल रहा था। उनका कोविड का टेस्ट कराया गया और कोविड का टेस्ट उनका नेगेटिव आया, फिर उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, नॉर्मली आईसीयू यूनिट जो होता है उसमें शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उनको सांस लेने की जो परेशानी थी वो खत्म नहीं हो रही थी, तो वहां की डॉक्टरों की टीम ने सोचा क्यों ना आगे टेस्ट वगैरह करें, देखें कहाँ प्रॉब्लम है। तो उनके और टेस्ट वगैरह कराए गए। जब टेस्ट वगैरह कराए गए तो उनके लंग में पानी निकला, गंदा पानी बताया गया, फ्लूइड बताया गया। और आगे भी जांच और जांचें भी करी गई तो पता ये चला कि उनके दोनों जो लंग हैं उनमें जख्म है। और जो जिस पानी का मैं जिक्र कर रहा हूं, गंदा पानी फ्लूइड जो उनके फेफड़ों में है उसको निकाला गया, तकरीबन 1.5 लीटर पानी निकाला गया। और डॉक्टरों की टीम जो संजय दत्त का ट्रीटमेंट कर रही थी वहां, उन्होंने कहा कि इस फ्लूइड का भी एक टेस्ट करेंगे क्योंकि ये जो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है टीबी या कैंसर की। तो उस फ्लूइड की बाकायदा जांच करी गई और कैंसर पाया गया क्योंकि दोनों फेफड़ों में जख्म है, क्योंकि 1.5 लीटर फ्लूइड निकला है। तो जो ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये स्टेज 4 का कैंसर है और सांस लेने में परेशानी की वजह भी है ये। संजय दत्त को बैठकर उनकी काउंसलिंग करी गई, उनको पूरा बताया गया जो वहां की डॉक्टर की टीम थी कि आपको स्टेज 4 का कैंसर है और कहा गया कि इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना चाहिए। संजय दत्त ने भी काउंसलिंग में हिस्सा लिया और कई सवाल पूछे कि कैसे, कितनी जल्दी हो सकता हूं और क्या प्रोसेस होगा और कितना वक्त लगेगा। अब जो खबर आ रही है कि संजय दत्त साहब अपना इलाज कराने के लिए US या सिंगापुर जाने की तैयारी में है और वो अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे। जो टीम, जिस टीम ने संजय दत्त का ट्रीटमेंट लीलावती अस्पताल में किया था, उन्होंने संजय दत्त को ये बात पहले भी कह दी थी कि आप हिंदुस्तान में कराएं, आप US में कराएं, आप सिंगापुर में कराएं, आप किसी भी जगह अपना ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन ट्रीटमेंट का जो पहला स्टेप है वो कीमोथेरेपी ही है और वो आप कहीं भी करा सकते हैं, इंडिया में या US में या सिंगापुर में। फिलहाल खबर यह है कि संजय दत्त साहब को स्टेज 4 का कैंसर हो गया है और ये बहुत बहुत दुख की खबर है। हम सब की दुआएं प्रार्थनाएं संजय दत्त के परिवार के साथ हैं और हम सब दुआ करते हैं कि संजय दत्त साहब जल्द से जल्द सेहतमंद हो और वापस लौटे। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।